ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। हद्दे निगाह तक जले हुए मकान, जले हुए अरमान, ये कैसी गलियां हैं, ये कैसी बस्ती है, बस्ती है या शमशान। ये है करावल नगर का खजूरी खास इलाका, चांदबाग से थोड़ा आगे। इस जगह को खजूरी खास एक्सटेंशन या पक्की खजूरी कहते हैं। कल यहां भी जिंदगी करवट लेती थी, यहां भी औरतों बच्चों की खिलखिलाहट थी, यहां भी नौजवान कहकहे लगाते थे, यहां भी बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते थे। लेकिन आज सब सुनसान है, दूर तक खामोशी और सिर्फ खामोशी। धुएं के निशान, टूटे हुए बर्तन, बिखरी हुई गृहस्थी, ये पकौड़े किसी ने किसी के लिए बड़े चाव से बनाए थे, ये दूध शायद बच्चों के पीने के लिए था जो रखे रखे खराब हो गया। आपको लगता होगा कि यहां कुछ मकान जले, लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी ही उजड़ गई। इस गली में और इससे आगे की गली में 70-80 मकान थे जो सब जला दिए गए। हां, बस 3 मकान बचे हैं। अब इस पर खुश हुआ जाए या रोया जाए, क्योंकि ये पूरी गली मुसलमानों की थी। 3 हिंदू भाइयों के घर थे, उन्हें छोड़कर सब कुछ जला दिया गया। जो मकान बचे उनमें एक दिल्ली पुलिस के सिपाही का मकान है, एक मकान सील है और एक वकील साहब का, जिनके घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बना है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंगाई किस मकसद और मानसिकता से आए थे। लेकिन किससे कहें, कौन सुने कि कुछ मकान नहीं, पूरी दुनिया ही उजड़ गई। डर तो लगता ही, डर नहीं लगेगा। अभी ऐसा हो रहा है तो हम लोग सब रात में उठ उठ के ऊपर भाग भाग के जा रहे हैं। पूरी रात हमारे पड़ोसी जगह में, हम जगह में, हमारे बच्चे गली में इधर उधर घूम रहे हैं, क्या करेंगे डर के। तो डर क्या पता बाहर क्या आ जाए हमें मार दे। नहीं, मुसलमान हमारे बहुत अच्छे भी है। अब ये कर कौन रहे हैं ये नहीं पता। बाजा सोमवार के दिन सुबह रात हो गई इसकी, मंगल तक ये हालत हो गई इसकी, जान बचानी भारी पड़ गया। हमारा है 2:25 में बताता रहा हूँ मैं, यहाँ पर तार में आग लगी, यहाँ पर तार में आग लगी और यहाँ पर जो तिरपाल टंग रहे थे उसमें आग लगी। फैमिली ऊपर रह रही थी, सब भीतर सब जल गए, सब कुछ जल गए भाई साहब, मंगल के दिन 2:25 पर। कोई रोकने वाला नहीं था, यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। यहाँ पे दोपहर को जो मिश्रा जी ने भाषण दिए ना इतवार को, वहाँ पे मोदपुर में दिए थे उन्होंने, उसके कारण ऐसा हुआ। नहीं तो यहाँ पे सब मिलजुल के रह रहे थे, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ कोई रोड जाम नहीं था। मंडे का दिन था तो पुलिया पे हमारी मम्मी कोटेक्स में बैठी हुई थी, ये आया घर पे थे। वो है हमारा छोटा भाई, क्या नाम, फैजान नाम है। वो काम पे था, आया जैसे घर से फ़ोन पहुँच गया था कि मॉल ख़राब हो रहा है, अपने अपने घर आ जाओ। तो वो काम पे आया तो घर पे देखा अम्मी नहीं थी, तो वो पोटेक्स में गया अम्मी को देखने के लिए। वहाँ पे जो है दंगाइयों ने पथराव कर दिया एक दूसरे पे, तो वहाँ से पुलिस वालों ने जो हवाई वो करे ना आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वो अम्मी को निकालने के चक्कर में वो धुएँ में जो आंसू गैस का धुआँ लगा ना, तो वो इधर भागने के बजाय उस तरफ भाग गए। हाँ। तो वहाँ पुलिस वालों के हत्या चढ़ गया। फिर क्या हुआ, फिर उसे पुलिस वालों ने मारा होगा, ले गए होंगे उसे GT जहाँ भी उसे चोट वोट आई थी उसे मेडिकल कराने, उसका थाने वाने ले गए थे। तो हमें पता लगा था, हम थाने गए थे, थाने में जाके हम लोग गए तो कहने लगे है यहाँ पे, पर हम अभी देंगे नहीं इसे, सुबह छोड़ेंगे इसे। सुबह गए लेने तो सुबह भी निकलने लगे, हम शाम को छोड़ेंगे। इस तरह से इन्होंने 18-20 घंटे अपने पास रखा, अगर दे देता उस टाइम पे हम उसका मेडिकल उसके ट्रीटमेंट सही हो जाता उस टाइम पे। इन्होंने 18-20 घंटे अपने पास रखने के बाद जो अधमरा हो गया था, उसके बाद फ़ोन करके बुला के दिया है हमें। हम रात में लेके आए तो अगले दिन हम कल लेके गए अस्पताल से, तो वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ उसका, तो नहीं दे झेल पाया दर्द अपना। Thank you.